Hello, my dear students. How are you all? I think all you are fine and safe at your home. Mutmo Sabyasachi sir, Gyanabikas English Medium School online teaching ku tamanku welcome kuch. To aji tamaru mu padhaibi Odia byakaran. Thik achi? Eita hela tamaro Odia byakaran bahi ebong aji ame patha ekta padhiba. Thik achi? To tamaro patha ekti hochi ओडिया ध्वनि ओ वर्ण ठीक अछि चल पढिया तो फर्स्ट हमें पढिबा जे ध्वनि कोन ध्वनि कोन ध्वनि माने गोटे साउंड जोंटा हमें राति पाइला पाखरु सोइबा जाय बहुत सारा साउंड सुनु जे कि नै कोइली रो कुकु साउंड कि जो पवन जो बहे तार गच्छ पत्र रे बाजले सु 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 साउंड जो हुए नदी जो बहता कुड़ 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 साउंड जो हुए ये जो साउंड गुड़ा को कहा जाए ध्वनि ठीक अच्छे तापर पढ़ा में वर्ण तो वर्ण कौन ध्वनि मानक लिखित रूप हो वर्ण ध्वनि मानक साउंड गुड़ा को जो आम लिखुचु से जो लिखित रूप गुड़ी को कहा जाए वर्ण तो ओडिया वर्णमाला कतोटी वर्ण अच्छी कहीपर पे पचास टी कतोटी अच्छी पचास टी ओ पाखरु चंद्रबिंदु जाए ठीक अच्छे तो वर्ण को दुई भाग में विभक्त कर गोटे हैला स्वर वर्ण आ गोटे हैला व्यंजन वर्ण कौन कौन मुझी ओडिया वर्णमाला वर्ण गुड़ी को दुई भाग में विभक्त कर गोटे हैला स्वर वर्ण आ गोटे हैला व्यंजन वर्ण ठीक अच्छे स्वर वर्ण पुणी कतोटी अच्छी एगारटी कतोटी एगारटी पचास टी रु पचास टी टोटल है वर्ण अच्छी आमर ओडिया वर्णमाला पचास टी रु एगार टी गला स्वर वर्ण भितर तो कौटू के स्वर वर्ण ओ पाखरु ओ पर्यंत ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ओई ओ औ टोटल है एगार टी तो एगार टी है तुम स्वर वर्ण पुणी स्वर वर्ण को दुई भाग में विभक्त कर बुझीगला गोटे है ह्रस्व स्वर आ गोटे है दीर्घ स्वर मन रहा भलसे शुणु पाने ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर स्वर वर्ण को पुणी दुई भाग विभक्त करागला गोटे है ह्रस्व स्वर आ गोटे है दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर कौन गुड़ाक ह्रस्व स्वर मान ओ पाखरु ओ पर्यंत जो स्वर वर्ण अच्छी से चारोटी वर्ण को आम साउंड कला बेल कम टे टाइम लगे तो से गुड़ी को जाए ह्रस्व स्वर कौन गुड़ी को ह्रस्व स्वर मुझे ओ हर्षई हर्षौ एवं रु कौन कौन ओ हर्षई हर्षौ एवं रु यही चारोटी को कहा जाए ह्रस्व स्वर एगुड़ी को साउंड कला बेल आम उच्चारण कला बेल टे कम टाइम लगे ठीक अच्छे से कहगला ह्रस्व स्वर आउ गोटे स्वर वर्ण कौन ताले दीर्घ स्वर दीर्घ माने उच्चारण कला बेल टे बेस टाइम लगे आम बुझीगला ना नहीं ह्रस्व स्वर अपेक्षा टी बे टाइम लगे कतोटी दीर्घ स्वर कतोटी अच्छी सातटी अच्छी टोटाली कौन कौन आ दीर्घई दीर्घऊ ए ओई ओ एवं औ यही सातटी को कहा जाए दीर्घ स्वर मन रहा तापर पढ़ा मुझे फास्ट वर्ण को टोटाली दुई भाग में विभक्त कराला गोटे है स्वर वर्ण आ गोटे है व्यंजन वर्ण एवं आम स्वर वर्ण विषय पढ़ी सारे एवं आम जा व्यंजन वर्ण पाखक ठीक अच्छे व्यंजन वर्ण ताल कतोटी है मुझी टोटाली वर्णमाला पचास टी वर्ण अच्छी पचास टी वर्ण रु एगार टी वर्ण गला क्या भितर स्वर वर्ण भितर ताल पचास रु एगार को माइनस करदे के थर्टी नाइन मान अड़चाश टी अड़चाश टी वर्ण जीवे क्या भितर व्यंजन वर्ण भितर जीवे ठीक अच्छे ताले ओ पाखरु ओ जाए जाइला स्वर वर्ण ताले ओ पाखरु नेक्स्ट कौन स्टार्ट हुए को पाखरु स्टार्ट हुए ताले को पाखरु आमर चंद्रबिंदु जाए यही जो अड़चाश टी वर्ण को कहा गला व्यंजन वर्ण कहा गला जेमतीका स्वर वर्ण को दुई भाग में व्यक्त कराइला गोटे है ह्रस्व स्वर आ गोटे है दीर्घ स्वर सेमतीका व्यंजन वर्ण को पुणी दुई भाग में विभक्त करागला गोटे है वर्गीय व्यंजन आ गोटे है अवर्गीय व्यंजन बुझीगला ना नहीं भलसे शुणु पाने गोटे है व्यंजन वर्ण को दुई भाग में विभक्त करागला गोटे है वर्गीय व्यंजन आ गोटे है अवर्गीय व्यंजन ठीक अच्छे पुणी वर्गीय व्यंजन को कतोटी वर्ग में विभक्त करागला मानने क्लास
ডিভাইড করা গলা ঠিক আছে কতটা ক্লাস ডিভাইড করা গলা 5 টা 5 টা বর্গরে বিভক্ত করা গলা কোন কোন ক চ ট ত প মনে রাখলে না নাই 5 টা হলা বর্গ বর্গ ব্যঞ্জনকে 5 টা বর্গরে বিভক্ত করা গলা ক চ ট ত প ইচ বর্গরে মানে প্রতি বর্গরে কতটা লেখা বর্ণ রইবে 5 5 টা লেখা বর্ণ রইবে ক বর্গরে তাহলে কোন কোন রইবে তাহলে ক খ গ ঘ ঙ 5 টা বর্ণ হই গলা এমানে গলে ক বর্গ ভিতরে নেক্সট আসলা চ বর্গ ঠিক আছে চ বর্গরে তাহলে কি কি রইবে চ ছ জ ঝ এবং ঞ নেক্সট থার্ড ওয়ান হেলা ট বর্গ ট বর্গরে কি তাহলে রইবে ট ঠ ড ঢ মুদ্রণ ফোর্থ ওয়ান হেলা ট বর্গ ট বর্গরে তাহলে কি কি রইবে ত থ দ ধ দন্তেন আর লাস্ট ওয়ানটা হল প বর্গ তেমন প বর্গরে কি কি যাবে প খ ব ভ এবং ম তো সব বর্গরে 5 5টা লেখা বর্ণ রইলে তাহলে এবে আমি বুঝিবা তাহলে টোটালি বর্গীয় ব্যঞ্জনরে কতটি বর্ণ বর্ণ রইলে 25টি বুঝিলে না সব বর্গরে যদি 5 5টা লেখা বর্ণ রইবে তাহলে আমার 5টা বর্গ আছে তাহলে 5 ইনটু 5 মানে 25 25টা আমার বর্ণ কা ভিতরে গলে বর্গীয় ব্যঞ্জন ভিতরে তাহলে টোটাল মু কইতলি ব্যঞ্জন বর্ণরে কতটি বর্ণ রছন্তি 39 মানে 39টি 39টি রু 25টি গলে কা ভিতরে বর্গীয় ব্যঞ্জন ভিতরে গলে তা 39 রু আমি যদি 25 কু মাইনাস করিবা কত রইবে টোটালি নেক্সট হলা 14 মানে 14টি তো 14টি বর্ণর কা ভিতরে যাবে অবর্গীয় ব্যঞ্জন ভিতরে যাবে বুঝি হচ্ছে না নাই ভালসে ক্যালকুলেশন করি মু কইছি তোমাকে দেখো 39 টোটাল থিলা ব্যঞ্জন বর্ণ 39 রু 39টি রু 25টা গলা আমার বর্গীয় ব্যঞ্জন ভিতরে তারপরে মাইনাস কলে বেড়ক আমার কত রহিলা 14টি বর্ণ রহিলা তো 14টি বর্ণ কা ভিতরে যাচ্ছি অবর্গীয় ব্যঞ্জন ভিতরে যাচ্ছি তো সেগুলি কোণ কোণ অস্তেজ পাখরু চন্দ্রবিন্দু যায় ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଦେଖ ଅସ୍ତେଜ ପାଖରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ଯେଉଁ 14ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯିବେ କାହା ଭିତରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଯିବେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ନାମ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝିଗଲେ ନା ନାହିଁ ସେମିତିକା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ବି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ବି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି କ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହିଁକି ନା କ ଖ ଗ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡଟା କେଉଁଠି ବାହାରୁଛୁ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରୁଛି କଣ୍ଠ ମାନେ ଏଇଟା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେମିତିକା ଚ ବର୍ଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ାକ ତା ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତାଲବ୍ୟ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ତାଳୁ ସହିତ ଆମର ଜିଭଟା ବାଜେ ଚ ଆମ ଜିଭଟା କେଉଁଠି ବାଜୁଛି ତାଳୁରେ ବାଜୁଛି ମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ବୁଝିଗଲେ ନା ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତାଲବ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାପରେ ଟ ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ ମାନେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନେ ଆମର ଜିଭର ଅଗଭାଗଟା ଜିଭର ଅଗଭାଗଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଉପର ଦାନ୍ତ ମାଢି ଉପର ଦାନ୍ତ ଏଇ ଯେ ଉପର ଦାନ୍ତ ତାର ମାଢି ସହିତ ଆମର ବାଜୁଛି ଟ ଟ ଆମର ଦେଖ ଜିଭଟା ଆମର ଉପର ଦାନ୍ତ ମାଢି ସହିତ ଆମର ବାଜୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାପରେ ତ ବର୍ଗ ତ ବର୍ଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହିଁକି ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଦାନ୍ତ ଦେଇକି ଆମର ବାହାରେ ଆଉ ଆମ ଜିଭଟା କେଉଁଠି ବାଜେ ଦାନ୍ତରେ ବାଜେ ତ ଥ ଦେଖ ଜିଭଟା ଆମର କେଉଁଠି ବାଜୁଛି ଦାନ୍ତରେ ବାଜୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦନ୍ତ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାପରେ ପ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗର ଯେଉଁ 5ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରହିଲେ ପ ଫ ବ ଭ ମ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ମାନେ ଓଠ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମର ଦୁଇଟା ଓଠ ଦେଖ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛି ପ ଫ ବ ଆମର ଦୁଇଟା ଓଠ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମର ଓଠ ଯୋଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେମିତିକା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ବି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ତାଲବେଶ ମୁଥନେସ ଦନ୍ତେସ ଏବଂ ହ ଏଇ ଚାରୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ଉଷ୍ମ ମାନେ ଗରମ ତ ଗରମ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଉଷ୍ମ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଏବଂ ହ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଦେଖିବ ବାହାରିବ ତମର ପାଟିରୁ ଗରମ ପବନ ବାହାରିବ ସ ହ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ
गरम पवन बारे से एचआरटी को कहुए उष्म वर्ण कहुए बुझीगल ना ना तापरे अनुस्वर चंद्र बिंदु मिय ज न एवं म एतिक व्यंजन वर्ण को कौन कहुए अनुनासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण मान से गुड़ी उच्चारण कला बेले कंठ और तालु सहित नासिकार साहाज्य निया जाए कंठ माने एटा तालु माने एटा नासिका माने आमर नाक एतिक तीनटा पार्ट को आमर हेल्प नहीं कि आमे एई व्यंजन वर्ण गुड़ी को साउंड करू से गुड़ी को कहा जाए अनुनासिक वर्ण मन रहा तापर नेक्स्ट है ए एवं ओइ ए एवं ओइ ए ओइ को आमे उच्चारण कला बेले आमर साउंडटा कोठ बाजि कंठर बाजि देखो ए ओइ देखो कंठटा एमती फुली जाउछि कि नाही त सेति पई ए ओइ साउंडटा आमर कोठ बारे कंठर बारे सेति पई ताको कहा गला कंठ्य तालव्य वर्ण कंठर भी बाजि पुणी देखो ए आमर साउंडटा तालु सहित भी कनेक्टेड होउछि सेति पई ताको कहा गला कंठ्य तालव्य वर्ण मन रहा तापर नेक्स्ट वन है ओ एवं औ बुझीगल ना नहीं ओ एवं औटा को कौन कहला कंठ्य ओष्ठ्य वर्ण बुझीगल ना नहीं कौन कहगला कंठ्य एवं ओष्ठ्य वर्ण तो से गुड़ाक केमती कहीं ओ औ देख ओ साउंड कला बेले कौट बाहर आम कंठर बाहर औ साउंडटा बाहर कि ओठ दीटा देख तार केमती आउ देख ओठटा ओठर सेटटा देख केमती से कौन कहगला कंठ्य ओष्ठ्य वर्ण बुझीगला तापर है वो वोटा को कौन कहगला दंत्य ओष्ठ्य वर्ण कौन कहगला दंत्य ओष्ठ्य वर्ण वो देख साउंडटा आम कौट बाहर जो बाहर आम दात एवं ओठर हेल्प नि वोटा को कहला बेले वो देख साउंड आम बाहर जो ओठटा सेप केमती देख वो बुझीगला ना नहीं से दात एवं ओठर हेल्प नहीं कि आम जो वोटा साउंड करगला दंत्य ओष्ठ्य वर्ण ठीक अच्छे तो मत लगुच तुमने समस्ते भलसे बुझीपार ठीक अच्छे तो मुझे कह तुमको जो तुम पाठ एक जो दि जा वर्ण क्या कहती एवं वर्ण केते प्रकार वर्ण केते प्रकार मुझे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या कहा जाए से गुड़िक लिखा जाए स्वर वर्ण क्या कहा जाए जो वर्ण गुड़िक कहार उच्चारण न नहीं जिते बड़े उच्चारण कराए कहुए स्वर वर्ण मन रख भल से बुझ स्वर वर्ण क्या कहा जाए जो वर्ण गुड़िक कहारी साहाज्य बिना उच्चारण हमें कहा जाए स्वर वर्ण बुझीगला ना नहीं जो अ सहित कई वर्ण मिशुची कि कई कारी हेल्प से नौ ना आ कई कारी हेल्प नौ ना तो बिना हेल्प रे बिना साहाज्य से उच्चारण हो पार्टी कहगला स्वर वर्ण ठीक अच्छे एवं व्यंजन वर्ण कौन जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाज्य बिना उच्चारण हो पारे ना माने से माने व्यंजन वर्ण स्वर वर्णर साहाज्य नहींक ही से उच्चारित हमें विदाउट स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण उच्चारण हो पार ना व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण को हेल्प निए स्वर वर्णर हेल्प निए से उच्चारित हुए क देख क सहित आम ओ साउंड आसटे ओटा कौन स्वर वर्ण तो क सहित ओ आसूच मानने सी कौन ने स्वर वर्णर हेल्प नेला से व्यंजन वर्ण तो मैंने सब डेफिनेशन गुड़िक मन रख कौं वर्ण को कौन कहा जाए केते वर्ग में विभक्त करौ वर्ग में कौ व्यंजन रही सब गुड़िक लिखा जाए सब गुड़िक भलसे पढ़व फास्ट टू लास्ट जाए मन रख तुम कौन अच्छी पाठ एक प्रश्न उत्तर गुड़िक कर तुमने ये दि जाए तुम प्रश्न उत्तर गुड़िक सब आंसर बुक भितर अच्छी तुमने भलसे पढ़व मन रख क्वेश्चन आंसर कर ठीक अच्छे मत लगुच तुमने समस्त बुझीपार ओके घर पाखे रुह सेफ रुह बड़ मान कथा मान सान मान स्नेह दियो ठीक अच्छे लव यू ऑल माय स्वीट स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे।